क्या ब्रह्मांड में कहीं और पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह में हमारे जैसी दुनिया है? बरसों से जानने माने वैज्ञानिक तक यकीन करते आए हैं कि हम अकेले नहीं हैं। मानने वाले तो यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा आधुनिक लोग रहते हैं। कुछ समय पहले नासा पर आरोप लगा कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टेलीकास्ट होने वाली धरती की लाइव वीडियो फीड को अचानक रोक दिया क्योंकि उसमें 3 उड़ंत अस्तरियाँ यानी कि UFO दिख रही थी। कहा यह भी जाता है कि जिस अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, उस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का सामना एलियन से हुआ था। कहा तो यह भी जाता है कि 1947 में एलियंस की उड़न तस्तरी हादसे का शिकार हुई थी। यह हादसा अमेरिका के रोजवेल में हुआ था। हादसे के बाद एलियंस की लाश बरामद हुई थी। ऐसे हजारों दावे हैं लेकिन कोई नहीं जानता एलियन है या नहीं है। लाखों ग्रह तारों के बीच हमारी धरती महज एक बिंदु की तरह नजर आती है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी हस्ती शायद कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में हैं। इसलिए विश्वास करने वालों की कमी नहीं है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं, और अगर यहाँ जीवन है तो वहाँ भी जीवन हो सकता है। और यह सब संभव हो पाया है एक अति उन्नत केपलर अंतरिक्ष यान में लगी दूरबीन की मदद से, जिसने पृथ्वी जैसे कई ग्रह खोज निकालने में मदद की है। जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहानेस केपलर के नाम पर ही इस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम रखा गया है। बताया जाता है कि इस दूरबीन द्वारा खोजे गए ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। तो आइए आपको भी बताते हैं वे कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ पर एलियंस हो सकते हैं। Gliese 667c नामक यह ग्रह पृथ्वी से करीब 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और यह पृथ्वी से करीब 4.5 गुना भारी है। हालांकि अभी तक इस ग्रह की ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह ग्रह की ज़मीन चट्टानी है या रेतीली, लेकिन इतना दावा किया गया है कि यह ग्रह धरती जैसा ही है और यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं। Gliese 581d सौरमंडल से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर, यह ग्रह पृथ्वी से करीब 7 गुना भारी है। यह ग्रह एक छोटे से तारे का चक्कर लगाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर पानी होने की संभावना है। Kepler 452b यह ग्रह पृथ्वी जैसा ही है, आकार में भी यह पृथ्वी से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6 अरब साल पुराने इस ग्रह का तापमान इतना ज़्यादा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन भी संभव है। Kepler 62e वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का आकार एकदम पृथ्वी जैसा ही है और इस ग्रह पर पानी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इसी कारण इस ग्रह को समुद्री ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर भी जीवन संभव है। Kepler 69c यह ग्रह पृथ्वी से करीब 70 गुना बड़ा है। पृथ्वी से करीब 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित यह ग्रह सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका वातावरण शुक्र ग्रह से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।